कुछ भिन्न तरह के पुष्प जो मेरी बगिया में पहली दफा फ्रेंड्स खिले हैं, उन सभी पुष्पों की खूबसूरत सी तस्वीरों के साथ आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपनी छत बगिया में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ अपनी छत बगिया में। फ्रेंड्स, देखिए खूबसूरत से पुष्प हैं। फ्रेंड्स, आगे इसकी वीडियो भी मैं आपसे ज़रूर वीडियो में भी ये शो करूँगी, तो आप मेरे साथ आप टिके रहें। फ्रेंड्स, तो ये देखिए खूबसूरत से पुष्प हैं जो आज ये मेरी बगिया में खिले हैं। ये देखिए कितना मनमोहक ये पुष्प है, और इसका नाम तो मुझे नहीं पता और गूगल लेंस मैंने किया नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वही पुष्प है जिसको मैंने परसों आप सभी मित्रों के साथ रिपोर्ट किया है, गुलाब का। और ये देखिए कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग इन सभी में चालू है। तो फ्रेंड्स, आगे इनकी वीडियो भी साझा करूँगी। तो सबसे पहले आपसे मैं अपना जो पोर्च गार्डन मेरा है वहाँ से मैं आज की इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ प्लांटर्स को जगह दी है, और आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा यहाँ पर है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने भिन्न भिन्न पुष्पों को जगह दी है। फ्रेंड्स, ये देखिए पहली दफ़ा इसे भी मैंने अपनी बागवानी में ऐड किया है। तो ये मैंने गूगल लेंस पर मैंने देखा था, तो स्टॉक फ्लावर्स का नाम आ रहा था। काफ़ी टॉल वाली वैरायटी है, बेहद ही मनमोहक। उसके साथ आप देख सकते हैं आइस फ्लावर्स तो बेहतरीन तरीके से खिल रहे हैं, और पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लांटर्स आपको दिखाई देंगे जिनमें कि मुझे अभी कुछ प्लांट्स को जगह देनी है। फ्रेंड्स, ये वर्टिकल गार्डन के लिए मैंने खरीदे हैं। तो यहाँ पर आपको शुरुआत करती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ट्रे गार्डन मैंने बनाया है। ये सकुलेंट तो हालांकि आर्टिफिशियल है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नेक प्लांट है, और नीचे भी मैंने कुछ ये अडेनियम्स की नन्ही से सैपलिंग्स मेरे पास कहीं से आए थे, तो उनको भी मैंने जगह दी है। तो कुछ इस तरीके से सकुलेंट्स हैं, और यहाँ पर देखिए पेंसिल कैक्टस यहाँ पर है, और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत से लगने वाले आगे इनकी बढ़त शुरू होगी क्रोटोन से, और पीछे तो आप देख ही सकते हैं खूबसूरत से ये पिटूनियाज। तो पिटूनियाज यहाँ पर श्वेत है, लाल है, और काफ़ी सारे रंग हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हैंगिंग्स में बेहद ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। ये देखिए कितने बेहतरीन फ्लावरिंग इन सभी में चालू है। ये देखिए, तो ये देखिए लाल रंग का ये, और इसमें एक प्लांट यहाँ पर ख़राब हो गया था, तो उसे मैंने आज ही हटाया है। उसके साथ ही ये देखिए ज़्यादातर ये 5-6 प्लांटर मेरे यहाँ पर टंगे गए हैं हैंगिंग्स में, तो इन सभी में लगभग रेड एंड वाइट शेड ही लगभग पिटूनियाज का आया है। बाकी मैंने पीछे सारे ये बास्केट्स में हैंगिंग जो है ये इनमें लगा दिए हैं। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए खूबसूरत से 2 डेंथस प्लांटर, और आप देख सकते हैं बेहतरीन फ्लावरिंग इसमें है। और देखिए मैंने बिल्कुल जुगाड़ू काम इसमें किया है। आप देखिए नीचे जो इसमें कंटेनर्स यूज़ हुए हैं जिसमें कि हम खाना बाहर से मंगवाते हैं, ये वही कंटेनर्स हैं। तो उनको मैंने पेंट करके इस तरीके से हैंगिंग बना दिया। देखिए कितने मनमोहक ये लग रहे हैं। तो इस तरीके से जुगाड़ भी हमें करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, प्लांटर्स इतने अत्यधिक भी खरीदे नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा खर्च इसमें हो जाता है, तो इस तरीके से भी करते रहना चाहिए। और मैं अक्सर ऐसा किया करती हूँ फ्रेंड्स अपनी बागवानी में, आप सभी मित्रों ने तो देखा ही है। उसके साथ आप देख सकते हैं बेहतरीन पिटूनिया की तो भिन्न भिन्न रंगों में रंगत, मेरी छत वगैरह से ज़्यादा पिटूनियास मेरे यहाँ पर खिल रहे हैं। फ्रेंड्स ये मेरे लॉन गार्डन से थोड़ा सा पहले और पोर्च के बीच का एरिया है, तो इतना पोर्शन मुझे हल्की सी गार्डनिंग करने के लिए मिल गया। तो मैंने सोचा पहले इतना मैं इसे यूज़ नहीं करती थी, लेकिन यहाँ के सारे प्लांटर्स मैं अब छत बगिया में ले गई हूँ, तो उसके बाद से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सोचा ये इतना स्पेस मुझे मिला है तो इसको मैं ज़रूर यूज़ करूँ। तो फ्रेंड्स हाल ही में मैंने ये जगह मैंने इस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी से मैंने ये बनाई है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत से ये कछुआ प्लांटर जो है इसमें खूबसूरत से डेंथस बड़ी बेहतरीन तरीके से खिल रहे हैं, और बीच में आप देख सकते हैं पेंसिल कैक्टस। तो यहाँ पर देखिए कटिंग के द्वारा फ्रेंड्स बहुत ईजीली लग जाता है। आप देखिए इतना खूबसूरत ये लगता है,
और एक नन्ही सी कटिंग के द्वारा मैंने इसे अपनी बागवानी में जगह जगह मैंने लगाया और बेहतरीन तरीके से इसने अपनी जगह बना ली है। और ये देखिए दूसरा कछुआ प्लांटर, ये जोड़े में मैंने लिया था फ्रेंड्स, तो इसमें भी मैंने डेंथस को ही जगह दी है और दोनों बहुत ही खूबसूरती से खिल रहे हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ सकुलेंट्स मेरे चल रहे हैं, कुछ कैक्टस मेरे चल रहे हैं जो कि स्वैप के माध्यम से मैंने फ्रेंड्स जगह जगह से मंगवाए हैं। उसके साथ ही आज वीडियोग्राफी कर रही है मेरी बिटिया, तो फ्रेंड्स ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स, आप सभी का सानिध्य मुझे ज़रूर चाहिए। तो ये देखिए ये खूबसूरत सा ये जो एंजल्स ट्रम्पेट होता है इसको मैंने प्रून कर दिया था, उसके बाद आप देख सकते हैं बेहतरीन बढ़त इसकी हो गई है। तो उसके साथ ही यहाँ पर फाइकस है और पीछे मेरे सारे हैंगिंग प्लांटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं खूबसूरत से सिंगोनियम, ये देखिए पिछले वर्ष का ये प्लांटर है और अभी इसकी बढ़त अच्छे से चालू हो गई है, अभी मुझे इसमें भी खाद मुझे देनी है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एक प्लांट ये है जिसको कि अभी हाल ही में मैंने ऐड किया है, हैंगिंग में इसे मैंने जगह दी है और इसका नाम मुझे नहीं पता और ये पिछले वर्ष का ही है जिसमें कि वॉन्डरिंग ज्यू है और एक इसमें और प्लांट लगा हुआ है फॉक्सटेल फर्न, तो इन दोनों को भी मुझे सेपरेट करना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक ये टर्टल वाइन अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने ये लगाई है, तो अभी इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, कुछ दिनों बाद ये यहाँ से लटकना चालू हो जाएगी जो देखते ही बनती है फ्रेंड्स। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जेली बीन जो सकुलेंट है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है और आजकल इसका जो टिप है थोड़ा थोड़ा रेड, ये धूप की वजह से आजकल इसका रंग थोड़ा लाल रंग भी परिवर्तित हो जाता है बेहतरीन तरीके से, दो वर्ष से मेरे पास ये बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए खूबसूरत सा सीडम, तो ये सीडम को भी कुछ दिनों पूर्व ये हफ्ता दस दिन पहले मैंने इसे हैंगिंग में लगाया है। उसके साथ ही खूबसूरत सा बिगोनिया जो किसी के द्वारा मुझे गिफ्ट में मिला था, तो उसको भी मैंने यहाँ पर हैंगिंग में जगह दी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैंगिंग प्लांटर्स मेरे ये चल रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर टायर प्लांटर में वॉन्डरिंग ज्यू और उसके बाद आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं अपनी छत बगिया में। फ्रेंड्स पिटूनियास के मैं प्लांट्स खरीद कर लाकर मैंने उसे अपने गार्डन में जगह दी है, तो अब पिटूनिया खिलना शुरू हो गए हैं, ये देखिए बेहतरीन तरीके से इनमें ये जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो गई है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए कोलियस को कटिंग के द्वारा मैंने लगाया है और देखिए आप बड़े अच्छे से इनकी भी ग्रोथ चालू हो गई है। तो इस तरफ को आती हूँ फ्रेंड्स मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फूल एक साथ खिले हुए हैं जो देखने में बेहद ही खूबसूरत एक एहसास देते हैं और एक सुंदर जो ऊर्जा सी हमें मिलती है फ्रेंड्स इन सभी को देख करके एक साथ इतने सारे रंगों को। उसके साथ ही यहाँ पर ये वही रोज़ है फ्रेंड्स जिसे कि आप सभी मित्रों के साथ मैंने लगाया था, रिपोर्ट जिसे किया था, तो एक पुष्प तो फ्रेंड्स इसका खिल गया है लेकिन बाकी के जो दो तीन कलियाँ हैं ये देखिए ये ऊपर वाली दो तीन कलियाँ दूसरी टहनी की ये लटक गई हैं और एक और जो कली है ये देखिए ये भी लटक गई है, लेकिन एक पुष्प जो बड़ा कली वाला था वो खिल गया है। बेहद ही अच्छा सा फ्लावर है इसका फ्रेंड्स गुथा हुआ, ये देखिए पिटूनिया जो बेहतरीन तरीके से खिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर डॉग फ्लावर आप देख सकते हैं, दो मैंने एक ही प्लांटर में जगह दी है इसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनेनेरिया के दो कलर मेरे पास है, एक रानी कलर और उसके साथ ही यहाँ पर पर्पल रंग में। पीछे बिगोनिया आप देख सकते हैं, लंबी पत्ती वाला बिगोनिया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स पीछे ग्लैडुलस को आप देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और अब तो ख़त्म भी होने वाली है। सूखे हुए फूलों को फ्रेंड्स मैंने अभी नहीं निकाला है क्योंकि मुझे अब जब तक थोड़ा धूप है तो तब तक मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद ही इन्हें मैं सभी फूलों की मैं निकालूँगी जो सूख चुके हैं, ये देखिए।
कुछ इस तरह से बिखरे हुए हैं फ्रेंड्स, सभी रंग यहाँ पर जो देखने में सचमुच बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आगे मैं चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से वर्बीना फ्रेंड्स इस बार मेरे पास थोड़ा कम ही है। पिछले वर्ष तो वर्बीना की बेहतरीन फ्लावरिंग मेरे गार्डन में हुई थी। यहाँ पर आप देखिए नेस्ट्रेशियम बेहद ही सुंदर ये लग रहे हैं, उसके साथ ही यहाँ पर आइस फ्लावर्स आप देख सकते हैं बेहतरीन, और उसके साथ ही फ्रेंड्स देखिए पीछे लेडीज पर्स का ये फ्लावर है दो, जो मैंने अपने गार्डन में जिन्हें जगह दी है। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डायंथस है, कैलेंडुलास है, उसके साथ ही ज़ाफ़रानी गेंदा है, और पीछे आप देख सकते हैं यूफोबिया मिली एक ही खूबसूरत फ्लावरिंग शुरू हो गई है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखिए अलाइसम है, कैलेंडुला है। फ्रेंड्स अभी जिरेनियम में मेरे केवल एक ही जिरेनियम में पुष्प खिलना शुरू हुए हैं। फ्रेंड्स ये सभी कटिंग के द्वारा मैंने लगाए थे, और यहाँ पर ये देखिए दो ये रेनाकुलस के प्लांट भी हैं। कैलेंडुला तो बेहतरीन तरीके से खिल रहा है, और डहलिया ये देखिए खूबसूरत सा रंग ये देखिए, और ये अभी सूखा हुआ फूल इसको भी मुझे अभी हटाना है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं सुबह से गार्डन में नहीं आई हूँ, अभी आई हूँ, और आते ही साथ मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो इसीलिए मैं सूखे पुष्पों को अभी निकाल नहीं पाई हूँ। अभी मैं ये सब काम करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए बेहतरीन तरीके से ये देखिए ये रेनाकुलस है फ्रेंड्स, बेहतरीन फ्लावरिंग इसमें हो रही है। तो ये देखिए साल्विया है, और उसके साथ ही आगे खूबसूरत सा ये अलाइसम है, और पीछे आप देख सकते हैं कैलेंडुला बेहतरीन फ्लावरिंग ये देखिए, ज़ाफ़रानी गेंदा है नीचे, और उसके साथ ही खूब सारे डैंथस के दो तीन प्लांट एक साथ मैंने लगाए हैं ये देखिए, और ये डबल पेटल वाला पिटूनिया है फ्रेंड्स, अभी जो खिला नहीं है जिसमें कलियाँ बन रही है, तो आगे ये भी अब एक दो दिन में खिलने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंजी, जो बड़ा वाला पेंजी का फ्लावर होता है वो भी बेहतरीन खिल रहा है, और ये देखिए गेंदा, उसके साथ ही यहाँ पर है खूबसूरत सा पर्पल हार्ट, साल्विया है, और यहाँ पर आप देखिए ये खूबसूरत से पुष्प लेडीज पर्स के, और यहाँ पर आप देखिए खूबसूरत सा नेस्ट्रेशियम गजानिया भी खिल कर ये बंद भी हो गए हैं, और पीछे तो सारी फ्रेंड्स मेरी कटिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो कुछ इस तरीके से है मेरी बगिया का हाल। ये देखिए ये लेडी पर्स है फ्रेंड्स, ये पहली दफ़ा मैंने अपने बागवानी में ऐड किया है, सैपलिंग्स इसकी मैं लेकर आई थी, और ये देखिए पहले भी मैंने आपसे ये साझा किया था, लेकिन उस समय इसमें कलियाँ बन रही थी, और अभी आप देखिए खिल गए हैं इसके पुष्प, जो देखने में सचमुच बेहद ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। एक नया अनुभव इनके साथ मुझे मिला है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कलांचो भी फ्रेंड्स अब खिलने लगे हैं, और इस वर्ष एक पीला रंग और एक नारंगी रंग कलांचो में मैंने ऐड किया है अपनी बागवानी में। तो फ्रेंड्स पिछले वर्ष शायद मेरे पास ये लाल रंग ही था, लेकिन पिछले वर्ष कहीं से कटिंग आई थी तो कलांचो की येलो और नारंगी, तो इन दोनों को भी इस वर्ष मैंने फ्रेंड्स कटिंग के द्वारा फ्लावरिंग तक इनको पहुंचाया है, और अगले वर्ष इनसे काफ़ी सारे प्लांट्स मैं बना लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरी आज की शेयरिंग बस इतनी ही, वीडियो लंबी हो चली है इसीलिए आपसे विदा मैं अब लेना चाहूँगी। एक नई शेयरिंग के साथ आपसे पुनः मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी मित्र अपना अच्छे से ध्यान रखें। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी शेयरिंग्स पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नई शेयरिंग के साथ आपसे पुनः मिलती हूँ, नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का। हैप्पी गार्डनिंग।